हाँ जी 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 जान रहा था कि नजर आ गया, मामा को उठाने का भी टाइम आ गया। हाँ जी, आंटी आई है उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप लोग? सब ठीक है? और माशाल्लाह बाजी ने तो पूरे हज का सवाब ले लिया है, और हम सबके लिए दुआएं की हैं बाजी ने, और अल्लाह पाक सारी दुआएं उनकी कबूल करें, और आप भी हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम चल रहे हैं, आप भी आ जाए हमारे साथ। चॉकलेट आके रखिएगा। चल नूरानी चेहरा पहले मैं देखूंगी। आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दिखाए। ये देखिए जी, विवस ये हमारी बाजी है माशाल्लाह। बाजी खैर से इतकाफ से उठ गई है, अभी उठा रहा बाजी। अभी हम गोदी में लेके जाएंगे बाजी को। ये तस्वीर इनकी प्रोफाइल अल्लाह भी। मॉडर्न हमारा वो है, काफी तो मॉडर्न। और सबसे ज्यादा सारी इनके मुंह में पानी आ रहा है। ये सारी इनके आ रहा है सबसे ज्यादा। बहुत सब तक अब आपको मेरी बातें मजीद सुनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आपको अपनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं। तो इंशाल्लाह आज से अभी से अम्मी अपनी सीट का चार्ज वापस लेते हैं। कोई कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, सबको बताएंगे कि किस किस के लिए, सबके लिए दुआ की है, सबके लिए दुआ की है। दूसरा हम गमगीन है, और हम मम्मी को बोलने नहीं देंगे आज। मम्मी को आज बिल्कुल बोल देंगे, मम्मी नहीं नहीं चलो, मतलब कि मम्मी दोबारा तीन चार दिन बाद आई है सीट पे, तो हमने मम्मी को बोकर देना बोल दिया। मम्मी रस्लो ही नहीं है। काफी लोग कह रहे हैं कि आंटी हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप दोनों भी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, पर आंटी को बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे याद किया, तो बहुत मेहरबानी, सबके लिए दुआएं की सबके लिए। और ये एक ही अलग ही बंदे का टाइम होता है जो अल्लाह ताला के साथ, समझो बंदा समझता है कि मैं अपने अल्लाह के रूबरू हूँ। तो सबके लिए दुआएं की हैं, जिन्होंने कहा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी। तो अल्लाह ताला इन सब दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, और जो कोई बे औलाद है अल्लाह ताला अली वीर को भी साहिब औलाद करे, रहमान को भी, जितने कोई बेटों के तलबगार अल्लाह ताला बेटे दे, बेटियों के तलबगार अल्लाह ताला बेटियां दे। तो इंसान को हर कष्ट से अल्लाह ताला बचाए। और जिनके वालदैन, जिन्होंने अपने वालदैन के लिए कहा था, उनके लिए भी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला सबके वालदैन को सलामत रखे, और जिनके चले गए उनको अल्लाह ताला जो है बख्शिश का शर्फ अता फरमाए, और उनकी कब्रों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के साथ नूर और नूर करें, कि सब ने वहीं जाना है। तो अल्लाह ताला हमें भी कबीरा सगीरा हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए, और आगे पता नहीं रमज़ान मुबारक किसके मुकद्दर में है नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाई, और जो नहीं बेचारे रख सके किसी मसले में अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। हम कोई भी नहीं होते किसी को कहने वाले, ये अल्लाह ताला का शर्फ है जिसको नसीब हो जाए, कि कोई बीमार होकर भी रोज़ा रख लेते हैं, कोई तंदुरुस्त होकर भी नहीं रखते, ये अल्लाह ताला की कबूलियत होती है। तो बाकी ये जो ये तीन चार दिन है ना, ये हमारे लिए तो मुश्किल जो होने थे वो थे, पर ये सबसे ज्यादा मुश्किल थे परी के लिए, क्योंकि उसका मामा के बगैर गुजारा नहीं है, और वो रोती इधर आती थी। पहले से मुश्किल मेरे लिए थे, मुझे पता होता था मैं बैठ के वीडियो बनानी है, लेकिन परी मेरे बगैर रहती नहीं है ना बेचारी, कभी उधर रात को उसको उधर नींद नहीं आ रही थी, और कहती आके मम्मा मुझे उधर नींद नहीं, और मैं कहा मेरे पास हो जाए, कहती नहीं मम्मी को डर लगेगा, मुझे तरस आता है अकेले। अब भी गई इतना रोई हमारा चांद नजर नहीं आया। अभी पढ़ने पढ़ेगी,
अल्लाह ताला इस रमजान में जितने लोगों ने इबादतें की अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और पता नहीं किसके नसीब में अगला रमजान है, तो सब जो है ना सबसे रिक्वेस्ट है कि नेकी के काम करें और ये फजूल हरकतें छोड़ दें। मेरे घर बार बार तू आ जाना, मैं की करा यार, आई एम सॉरी। अल्लाह शाबाज, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, आपको इंशाल्लाह गिफ्ट मिलेगा कल ईदी की सूरत पे। तो जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह का देखिएगा तो जरा अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लें, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक दो दिन बाद।